क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। आज है संडे और जो है वो संडे जो है ना वो आप लोगों को पता है कि बिजी दिन होता है और सबके जो है ना वो काफ़ी काम होते हैं पेंडिंग पर और ये वो। आज बना रहे हैं बीफ कोरमा। तो चले आए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जो है ना ज़रा किचन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले तो जो है ना वो चाय का एहतमाम कर दें। तो चाय जो है ना वो मेरी यहाँ पर ये बन रही है, देख सकते हैं चाय बन रही है और साथ के साथ जो है ना आज हम बना रहे हैं कोरमा रेसिपी, यानी कोरमा बना रहे हैं। कोरमे का जो है ना मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि क्या क्या डलेगा। वैसे तो वही डलता है जो हर कोई डालता है, वही रेसिपी है, लेकिन कुछ लोगों का बनाने का स्टाइल अलग होता है। एक मिनट, मैं जो हूँ थोड़ा सा ज़रा झटपट बनाती हूँ, झटपट से मुराद के ज़्यादा लंबी पटी नहीं है और उसमें भी जो है ना बहुत अच्छा। चलें ज़रा गोलने का जो है ये प्याज मेरा देख सकते हैं आप लोग, ये जो है ना मेरा हो गया गोल्डन ब्राउन और दैन आप इसको जो है ना दही के साथ ग्राइंड करेंगे आप लोगों को ज़रा चाय पी के दैन सलाम अलैकुम। क्या हाल है भाई आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और भाई क्या हो रहा है, बस हमारी शाम के खाने की तैयारी हो रही है और भाई आप लोग देख सकते हैं आज जो है ना वो बन रहा है कोरमा। तो ये फिलहाल जो है ना वो गोश्त अभी मैंने निकाला है और अब ये एक बॉयल होके दैन पर ये अदरक लहसुन में इसकी फ्राई होगी। प्याज जो है वो दही के साथ ग्राइंड होगी, हल्की सी फ्राई होके दैन पर दही के साथ ग्राइंड होके इसमें। तो चलें फिर कोरमा तैयार करके फिर आपको जो है ना थोड़ा सा प्रोसीजर दिखाते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं ये मिक्स गोश्त है सारा, तकरीबन बनाएंगे मम्मा 1.5 किलो के करीब। हां गोश्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोश्त। गोश्त नहीं, ये हम बना रहे हैं कोरमा, बीफ का कोरमा। हाँ जी, तो अब जो है ना वो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपना खाना और ये हम डाल रहे हैं तेल। तेल जरा फ्राई कर लें, और ये जो प्याज है ये हम इसमें हल्की से जो है ना वो सौते करेंगे, ठीक है। और दही जो है एक जगह दही और आया होगा, तो ये दही और है तकरीबन इसमें 1/2 किलो के करीब पड़ेगा दही ना, क्योंकि ये जो हमारा गोश्त है ये बॉयल हो गया था। मैं बॉयल करके हमेशा पकाती हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं डालती क्योंकि बीफ का गोश्त होता है तो थोड़ा सा इसको बॉयल करना पड़ता है, इसकी स्मेल भी चली आती है। चलें फिर लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसमें प्याज डालते हैं और दैन अपने प्याज को जो है ना सौते। गाइस मम्मा अभी बना रहे हैं, अभी वो हल्की करता हूँ और ये भी बनाया है, ये अपनी दही डालेंगे तो यही डाल ये डाला हुआ है और दही भी डाला हुआ है या नहीं? हाँ अभी यही दही डालना, ऑयल भी डाला हुआ है, तेल भी डाला है। हाँ तो यही वाला मशीन है जिसे हम बनाते हैं। मम्मा ये क्या बना रहे हो यहाँ पर बना रही है? इसमें ये बेटा ये प्याज है ना वो ग्राइंड होगी प्याज के साथ। अच्छा ठीक है। हाँ बेटा तो गाइस ये काफी अच्छा, इसने मम्मा ने दही डाला है। मम्मा से हम आइसक्रीम बनाएंगे या? अरे आइसक्रीम में दही कौन डालता है? बना क्रीम बन, तो आप क्रीम लेके आओ। क्रीम? हाँ आइसक्रीम में क्रीम डलती है, दही थोड़ी डलता है। और यार
नमकीन भी ओरियो भी पैकेट लाना। यहाँ पर बहुत बार से पैकेट आ चुकी है यही वाला, तो जैसे केक से ओरियो रखे हुए हैं ना, बहुत सारे तुम्हें ओरियो लाना पड़ेगा। सूट करूँ अच्छा पाप है ये आपका भाई कर लिया भाई। मेरा मोबाइल ना गया। ओ भाई क्या कर रहे हो तुम? तो देर निकालते तो देखेगा तो भाई गेट गया तो भाई क्या होगा? तो चलो अभी पॉज करो, मैं थोड़ा सा फिर बाद में दिखाती हूं। तो अब जो है ना गोश्त में अदरक लहसुन डाल के जो है ना अच्छे तरीके से इसको भुनाई कर रहे हैं, ताकि जो अदरक लहसुन और जो गोश्त की जो स्मेल है ना वो निकल जाए, और ये साथ साथ मेरी चाय भी जो है ना ये दम पर आ गई है। और अब जो है ना ये जो मैंने ग्राइंड किया है तंदूरी प्याज और दही इस ग्राइंडर को जो है ना हम इसमें डालते हैं। अभी इतना ही डालते हैं क्योंकि थोड़ा ये जो मेहरान के मसाले होते हैं ना ये थोड़े ना तेज़ होते हैं। ठीक है, अब इसमें जाएगा तेल। तेल हमने डाल दिया है, तेल डालने के बाद अब हम इस मसाले के साथ गोश्त को जी तो अब जो है ना ये जो हमारा बैटर था ये इसमें हमने डाल दिया। ठीक है हाँ भाई, तो जो है कोरमा देखते हैं कहाँ तक पहुँचा। ये जो बहुत ही ज़्यादा शीशा है ना बहुत ज़्यादा हॉट हो रहा है, इसको जो है ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा यार अपने से। मेरा कोरमा कहाँ तक पहुँचा है ये बस समझ लें, एंड ही चल रहा है बस। अब इसमें थोड़ी सी हम अदरक डालेंगे फाइन चॉप करके, और देन जो है ना वो हमारा जो है ना वो कोरमा रेडी हो जाएगा। 2 hours later हमजा कहाँ है? हमजा कहाँ है? हमजा ये रात के जो है ना 3:30 हो रहे हैं, और ये जो लड़का है ना ये देखें क्या खा रहा है। इसको मैं खिला रही हूँ बनाना, इनको लग रही थी भूख अंकल को, बनाना खा रहे हैं। रात के 3:30 बजे ये भूख लग रही है और ये रात में जो है ना बनाना खा रहे हैं। ये मैं सो रही थी और इन्होंने मुझे नींद से उठाया और ये मुझे किचन में लेके गए। इस वक्त जो है वो दे रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ करते हैं ब्लॉग को एंड, और आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग में। मैं ज़रा इसको अब सुलाऊं क्योंकि अब ये सोएगा, थोड़ा सा पेट भर गया है क्योंकि इन्होंने दूध ऑलरेडी पी लिया, फिर दूध के बाद इनको भूख लगी। अब इस वक्त गैस नहीं आ रही, मैं इसको कुक करके भी नहीं दे सकती, तो घर में जो है वो जब आपके फ्रूट्स हो ना तो बड़ा फ़ायदा होता है। चलें भाई फिनिश। मैं ज़रा जो है इसको सुलाऊं, और आज जो है ना हुआ ये कि खाना वाना खा के जो है ना बिल्कुल भी जो है ना मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जो है वो दोबारा से जो है वो आप लोगों को गुड बाय बोलूं और ख़ुदाफ़िज़ बोलूं, तो मैं बस इसको लेके लेट गई थी। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है, मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ, आप लोग ज़रा टाइम देखें। इस वक्त हो रहा है 4 बज रहे हैं सुबह के, और ये देखें ये मखलूक है ना ये अभी तक जाग रहा है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इसको भूख लगती है तो जो है या तो इसको रात में फीडर चाहिए होता है, या तो फिर जो है ना ये माशाल्लाह से बनाना बहुत शौक से खाता है। तो मैं ज़रा इसको सुलाऊं अभी, और यही हुआ फिर मैं आज जो है ना बिना खुदाफिस कहे आप लोगों को मैं लेट गई थी जाके, क्योंकि मुझे 6:00 पे उठना होता है, और हमजा माज जो है वो उनका स्कूल होता है, उन लोगों को उठाना भी एक बहुत बड़ा काम है ना। तो फ़िलहाल ये कि कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो आज कोरमा बना था वो ज़बरदस्त बना था, सबको बहुत अच्छा लगा, और ख़ासकर मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं बिरयानी कोरमा इस तरह की चीज़ें, हमजा मास को जो है ना बहुत पसंद है। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में।
मैं ज़रा उसको देख लूँ, आप लोग देख सकते हैं ये काउंटर पे आके बैठ गया है और मुझे उठना है 6 बजे, सिर्फ 2 घंटे हैं 6 बजने में और इसकी जो है ना वो हरकतें स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं आप लोगों से करती हूँ गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हाफिज़। चलो भाई क्या पकड़ा भाई यार, सोना नहीं है चले भाई, अल्लाह मेरी शामत आ गई।